हे गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम का 6 बजने वाला है और शाम में जस्ट चिल करने के लिए निकले हैं। मेरा फ्रेंड है, हमको लेने आया है और ये उसका गाड़ी है, वेस्पा। काफ़ी टाइम बाद उसको चलाने वाले हैं, अभी तो कॉल पे बिजी है वो। हम एडिशनल में एक पावर बैंक लेके आए हैं, उसको अंदर रख लेते हैं। डिग्गी खोलो ना। अरे वाह, ग्लव्स! किसका ग्लव्स है? ठीक है, चलो चलते हैं। क्या? नहीं, कॉल पे नहीं है। तो क्या वो डंबल छोड़ के कुछ और गिफ्ट है तो वो ले सकते हैं। ओह, क्योंकि देखो भैया को अभी कपड़ा उपड़ा तो देंगे नहीं। तो है, डेकोरेटिव पिछले साल दिए थे कैप करके, तो डंबल देखते हैं। डंबल देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। वहाँ पर एक जिम का इक्विपमेंट शॉप है, आर्ची के बगल में, और कॉम्प्लेक्स नोवेल्टी के बगल में। अच्छा, है पक्का? कंफर्म? कावेरी आसपास कहीं है, वही तुम वही बिल्डिंग में। ओ चलो, तो बैठो। हाँ, बहुत दिन बाद स्कूटी चला रहे हैं। पेट्रोल वाला वो कांटा, अरे यार जैसे तेरा स्कूटी का कांटा ख़राब हो गया ना एक बार। क्या हुआ था कुछ दिन पहले, पापा जा रहे थे गांव, तो बुलेट में तो कोई कांटा नहीं रहता है ना, मतलब डिजिटल है लेकिन कुछ दिखाता नहीं कि कितना फ्यूल है वो, बस जब रिजर्व होता है ना उस टाइम पे दिखाता है। हाँ, तो क्या हुआ, जब रिजर्व में चढ़ा तो दिखाया ही नहीं कि रिजर्व हो गया है, और अचानक से पेट्रोल पूरा ख़त्म। अच्छा वो कि कुछ दूरी पे ही कुछ था, जैसे होता है ना बॉटल्स में बेचता है, हाँ वैसे ही था, तो हो गया काम। वरना बुलेट को ठेल के जाना, बाप रे बाप। और फिलहाल अभी हम वेस्पा चला रहे हैं और ऐसा लग रहा है दोनों साइड में एक्सीलेटर है। क्या हो गया, इधर का एक्सीलेटर बन गया है? अच्छा। ये बेल बगान चौक। लेकिन बेल तो है ही नहीं, वो है यार, ऐसे ही नहीं बोला जाता है बेल बगान इसको। पहले यहाँ काफ़ी बेल का पेड़ हुआ करता था ना। काफ़ी टाइम के बाद वेस्पा चला रहे हैं, काफ़ी स्मूथ लग रहा है हमको। थोड़ा मेंटेन किया है। ओ, कब किया था सर्विसिंग लास्ट टाइम? एक महीना। ओ, वही सोच रहे हैं, इतना स्मूथ कैसे लग रहा है। बहुत सारा पार्ट चेंज हो रहा है, काफ़ी नया लग रहा है अभी। ऐसा लग रहा है कि जस्ट दो दिन पहले तुम इसका डिलीवरी लिए हो। साइड में वो जो टेंट लगा है फटकता है। ओ, वो भी हो सकता है मेंटेन? उसको ठोक के ठीक कर दिया, मतलब पता नहीं चलता है अगर तू हो गए नहीं। डेंट लगा है मतलब पूरा दब गया है क्या बॉडी? टूटा से इतना छोटा है। वो स्क्रैच लगा है कि दबा है? ओ, तब तो दिक्कत है। गली में यार इतना बड़ा ब्रेकर बना देता है। ओहो, साइड लिए पर भी टच हो गया यार, काफ़ी जाम है। बाइक और स्कूटी के लेकिन सबसे मस्त, कहीं से भी निकाल लो। बोले और रोक दिया यार ये। ओ भाई बढ़ाओ, कितना देरी करोगे? थोड़ा सा तो साइड करो। देखा, कहीं से भी घुमा लेता है, मजाक मत करियो ऑटो वालों से। आइट आइट, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं हम लोग यहाँ से। ओ भाई, ओ भाई, चलो चलो, जाने दो, जाने दो यार हमको। हम लोग के आगे भी एक वेस्पा जा रहा है, ये कलर हमको पर्सनली पसंद नहीं है। ब्लैक में काफ़ी अच्छा लगता है, रेड में तो वाह, क्या लगता है डेडपूल वाला सीन याद आ जाता है। वो आज वेडनेसडे है, ये बहु बाजार है, यहाँ बाजार लगता है। आज हॉर्न काफ़ी कम लग रहा है, आज बाजार वाला दिन है इसलिए इतना जाम है। बस अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे, इतना जाम हम लोग को नहीं झेलना होगा। लेफ्ट पे एक गली है, बस यहाँ से हम लोग को टर्न होना है। इंडिकेटर दे दिए हैं,
वाह खुला रास्ता। पर ये गली में ऐसा है कि इतना ढेर सारा ब्रेकर्स है यार, क्या बोले। अरे ये ड्राइवर है क्या जो लटक रहा साइड में? तो नहीं नहीं नहीं, सेकंड ब्रेकर, थर्ड ब्रेकर, फोर्थ ब्रेकर, फिफ्थ ब्रेकर, सिक्स्थ ब्रेकर, आज गिन रहे हैं सब ब्रेकर कितना है। ये सेवेंथ ब्रेकर, एट्थ ब्रेकर, ये नाइन्थ ब्रेकर, टेंथ ब्रेकर, इलेवेंथ ब्रेकर, ट्वेल्व, थर्टीन, ये फोर्टीन हो गया ना, फिफ्टीन, वो है जेडी हाई स्ट्रीट, हाँ से दिखता है, सिक्सटीन, ये एटीन, लेकिन हम टर्न कर जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से हम आधा किलोमीटर में 18 ब्रेकर, समझ रहे हो। गली गली से आने से ट्रैफिक नहीं मिलता है, पर ब्रेकर को ज़्यादा ही मिलता है। ये चर्च कॉम्प्लेक्स है, और मतलब चर्च कॉम्प्लेक्स के पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पहले गेट नहीं लगा हुआ था, हम लोग अंदर गाड़ी पार्किंग करते थे, पर आजकल सब बाहर ही गाड़ी पार्क करता है। गाड़ी को यहाँ छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। चोरी हो गया तो मिस्टर अमन, ओह बाय द वे मिलाना भूल गए, ये मेरा फ्रेंड है मिस्टर अमन, जिसको हम लोग प्यार से डोरेमोन बोलते हैं। एंटर कर चुके हैं हम लोग। वैसे बाय द वे लेना डंबल ही लेना है ना, डंबल या कुछ और इक्विपमेंट जो उनका हो, गिफ्टेबल हो। उधर चलना है अंदर, फर्स्ट फ्लोर पे, ओके। हमको तो याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई डंबल वाला शॉप है, हम भी कभी देखे नहीं है। तो कैसे तुमको पता? एक दो लोगों कॉल के, जो लोग घर पे जिम बना के रखा है, ओह बताया कि यहीं से सारे इक्विपमेंट लेके। क्योंकि हम रॉसपा टावर में देखे थे, वहाँ चल लेंगे, लेकिन वो शायद बंद हो चुका है। वो फिटनेस प्रो वाला था, वो शिफ्ट होके पता नहीं कहाँ चल गया है। चाबी हाँ पॉकेट में, क्या यही कहीं इधर देखेंगे फिर इधर देखेंगे। वाह, उससे अच्छा पूछ लो किसी से। यहाँ आसपास कहीं डंबल का शॉप है? हरा लाइट जल रहा है ना, हाँ उसी के बगल में। ठीक है, डंबल का शॉप नहीं, हमको स्पोर्ट्स शॉप बोलना चाहिए ना, स्पोर्ट्स का दुकान। ये तो यहीं पे है, देखो क्या क्या लेना है। काफ़ी सारा जिम का इक्विपमेंट्स है यहाँ पे, वाह काफ़ी सही चीज है। छोटा वाला है, इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं आई थिंक सो। ये तो पूरा मेटल का है, वाह काफ़ी भारी है। कौन सा ले रहा है? 7.5 का 2 ले लेते हैं गिफ्ट करके। हाँ तो गाइस, हम लोग डंबल ले चुके हैं 7.5 किलो का, एक डंबल मेरे पास है, एक डंबल अमन के पास है। और चेस देखने में हल्का दिखता है, काफ़ी भारी है। अभी गाड़ी तक लेते लेते हालत ख़राब हो जाएगा। जो लोग रेगुलर जिम करता है वो लग ले सही है। लड़का जिम करते करते जा रहा है रास्ता में। बस हो गया, बना लिया। अबे वैसे आगे भी तो दिखाता, लास्ट में दो एक सेकंड के लिए दिखाया। ओहो रास्ते में बन गए, कहाँ पहुँच गए हम, गाड़ी तक चलो, गाड़ी में रखें क्या, हालत ख़राब हो रहा है। कहाँ गया तेरा स्कूटी? हो यहीं है, डिक्की में रखेगा, नीचे रखो ना वहाँ। डंबल्स लेना था, डंबल्स ले लिए, अब वापस घर की ओर चलते हैं। बीच में शायद रुकेंगे कहीं कुछ खाने पीने, पार्किंग गुड रहना चाहिए। क्या बोल रहे हो? अरे सब ले लेंगे।
सब जगह एक्सरसाइज करना है भाई। हाँ, यहाँ बैठ के काफी आराम लगता है।